नेपाली मन मन को आवाज हो यो रेडियो सामवी 96.4 रेडियो सामवी टाइम छे अहिले 9 बजे को छ। नमस्कार आदरणीय श्रोता अविरुवा सुन रहल बानी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने। कार्यक्रम आमने सामने के साथ हम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव रउवा लोगिन के साथ उपस्थित हो चुकल बानी। समसामयिक विषय पे निरंतर चर्चा रेडियो सानवी के साथ कार्यक्रम आमने सामने के साथ रउवा लोगिन सुन रहल बानी। समसामयिक विषय पर आज ही हमने बात करम सन, काल भी बात कहनी सन बौद्धर माई के, जौन बौद्धर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 4 में रहल छठिया घाट, ओकरा के तिलावे पुल के नाम से चिन्हल ला, यानी कि चाइनीज पुल के नाम से चर्चित बाटे, डकैला बहुवरी के छठिया घाट पर ला। मेयर साहब कह रहल बानी काल के अंतर्वार्ता में जो ओ में नगर पालिका के कोनो ऐसन भूमिका नहीं के रहल, नगर पालिका के कोनो ऐसन कर्मचारी के सूचना नहीं के, नगर पालिका के कोनो ऐसन कर्मचारी ओकरा के बारे में जानकारी नहीं के। साथे साथे मेयर साहब कहानी हमरा भी कोनो ऐसन जानकारी नहीं के, वो प्रदेश सरकार के बजट है और उ प्रदेश सरकार के बजट इंजीनियर और ठेकेदार काम करा रहल बाटे लोग, करावत रहे लोग। उवे क्रम में एगो युवा के, बौद्धर माई नगर पालिका वासी के एगो युवा के 21 वर्ष के उम्र में सेल्टरिंग खोले गई नी उ सीढ़ी के, तो में दबा के दरे पर मृत्यु हो चुकल बाटे। लेकिन मेयर साहेब प्रेस विज्ञप्ति में भी कह रहा बानी जो ओ में नगर पालिका कौन ऐसा दोषी नहीं के, नगर पालिका के कौन ऐसा सूचना नहीं के। एक तरफ मेयर साहब अपना आप के निर्दोष साबित कर रहा बानी, एक तरफ देखल है तो बौद्धर माई नगर पालिका के निर्वाचित वाड़ा अध्यक्ष वाड़ा नंबर 2 के जितेंद्र पटेल जी बता रहा बानी कि एकर दोषी नगर पालिका बाटे। कैसे मेयर के पता ना हुई जे हमरा पालिका में जब काम होता, चाहे प्रदेश सरकार के काम हो को, चाहे केंद्र सरकार के काम हो को, तो कैसे पता ना हुई मेयर के जे हमरा पालिका में और हमरे वार्ड में काम होता कह के वाड़ा अध्यक्ष जी ये बात बतैले बानी। और साथे साथ वहां के बतैले बानी सामाजिक संजाल के माध्यम से हमनी के भी देखे कि मिलल बाटे जे कमीशन खोरी के चक्कर में ई नगर पालिका कुछ भी कर सकत बाटे और कुछ भी कर रहल बाटे। सत्य तथ्य का हो वाड़ा अध्यक्ष जी से हम जाने के चाहे, आज वहां कमी टेलीफोन संपर्क में जोड़ले वानी सन और वहां से हम जाने के चाहे सन जो नगर पालिका कहाँ कमीशन खोरी कैले बाटे, और साथे साथे नगर पालिका के बात रुवा कैसे कहता नहीं पता बाटे, एकरा बारे में विशेष हमनी छलफल और विशेष बात वहां निर्वाचित वाड़ा अध्यक्ष बौद्धर माई नगर पालिका वाड़ा नंबर 2 के जितेंद्र पटेल जी से बात करे के चाहे सन। हमनी के वहां का टेलीफोन संपर्क में आ चुकल बानी। सबसे पहले वाड़ा अध्यक्ष जी का हम स्वागत करके चाहे, स्वागत बाटे वाड़ा अध्यक्ष जी कार्यक्रम आमने सामने में अपने के। धन्यवाद। का हो रहा बाटे अभी काफी में व्यस्त बने वाड़ा कार्यालय में जी? अभी जौन रुआ वाड़ा नंबर 4 बौद्धर माई नगर पालिका वाड़ा नंबर 4 में जौन घटना घटल, प्रदेश सरकार के बजट से आयल बनत रहे सीढ़ी, ओकरा के चाइनीज पुल के नाम से चिन्हल ला, उ पुल के लगे जो सीढ़ी बनत रहे छठिया घाट पे, उ सीढ़ी भसकल तो एगो युवा के मृत्यु भइल, और वहां जहां मृत्यु भइल तो सामाजिक संजाल में अनेकन मीडिया में जितेंद्र पटेल जी के बहुत ही चर्चा देखे के मिलल जे एकर दोषी पालिका बाटे, कमीशन के चक्कर में पालिका कुछ भी करत बाटे कह के सामाजिक संजाल से देखे के मिलल बाटे। ई का हो वाड़ा अध्यक्ष जी? हेलो, स्थानीय सरकार नगर पालिका के बोल रहे अब प्रदेश बा, प्रदेश संस्था या केंद्र के बजट में अपने करके भीतरिया अंतर बात करके अपने के खास लेके अपने के काम कर नतीजा अपने से अपने के 5 नंबर वार्ड बोधर भाई नंबर 5 नंबर वार्ड के राजा बाबू महतो पे अपने के मृत्यु देखो गई लो। ऐसे हम कथी अपने के कहे के चाहे कि नगर पालिका जनता के ही स्थानीय सरकार हुए, इस सरकार की जिम्मेवारी को रक्षा करे के, कोनो भी विकास निर्माण के काम हो चाहे कुछ हो, उस समुदाय के उस टोल के बीच में जाके जन सरनी खरीद नियमावली 2078 के कार्यविधि जो बनल हुआ नेपाल सरकार में, ओकरा के महत्व में रह के जनता के बीच में जानकारी करा के पारदर्शी तरीका से काम हो रही,
तो जनता लोग जनले रही तो जन घटना घटे वाला रहे सही समाधान हुई घटना ना घटी। लेकिन रउआ तो डायरेक्ट आरोप लगा रहा बनी नगर पालिका के ऊपर। नगर पालिका के स्वयं हम भी कार्यपालिका के सदस्य हम जनप्रतिनिधि जीतल एगो जनप्रतिनिधि जिम्मेवार व्यक्ति हमारा वार्ड में कोनो किस्म के काम प्रदेश के चाहे केंद्र के होता तो हमी के जानकारी नहीं होत या कोनो वार्ड में नहीं होत तो हमी के जिम्मेवारी कथी भाई हमी के जानकारी रही तो ऊँची जन घटना जन भैल आठ दिन दस दिन के भीतर में जन सल्ट्रीन खुलल उ ना खुले दिए मापदंड अनुसार या विकास निर्माण के काम होता तो सामाजिक सुरक्षा अनुसार के मापदंड जो विधि विधि अपना के ही काम हो तो कहाँ जानकारी होता केकरो तो गोप्य रूप में नगर पालिका जो और अपने के जानकारी करा के चाहे नगर पालिका अपने में एगो स्थानीय शासन पद्धति द्वारा चले वाला नगर पालिका तो उस चीज के जानकारी करा के पड़ल जिम्मेवार होके के पड़ल घटना स्थल में पुगे के पड़ल यहाँ के नगर पालिका के जनता नगर पालिका के वोट दिलवा हमी के जीतल बनी सन तो हमी के भी जिम्मेवारी बनता जो जनता के बीच में जनता के सुरक्षा करे वाला काम पारदर्शी तरीके से काम करे वाला नौकरी से पड़े। लेकिन मनोमाली नगर पालिका अब सिफारिश कर देवे जवाबदेही ना होके अनुगमन ना करे निरीक्षण ना करे मापदंड अनुसार काम भइल कि ना भइल जानकारी ना होके तो जिम्मा के लिए व्यक्ति के प्रदेश सरकार काम करवा होता ठीक बा तो सामाजिक विकास मंत्रालय अपने के जो बजट दिले बा बजट सामाजिक विकास मंत्रालय के मापदंड अनुसार काम होता कि ना होता नगर पालिका के देखे के पड़ल न। अब जहां तक देखल है प्रेस विज्ञप्ति में बौद्धर माइन नगर पालिका के मेयर साहब प्रेस विज्ञप्ति में सीधा निकल ले बानी ओ में बौद्धर माइन नगर पालिका के कोनो ऐसन नगर पालिका के ना कोनो ऐसन कर्मचारी के भूमिका बा ना हमर कोनो ऐसन भूमिका बा सामाजिक संजाल में हो रहा एक दूसरा के आरोप लगावल सब गलत बात बाटे जे गलत बात प्रेस विज्ञप्ति में मेयर साहब एक छीन वाड़ा देख जी प्रेस विज्ञप्ति में मेयर साहब निकल ले बा नहीं बात प्रेस विज्ञप्ति वहां का देखी तो अब रोहित बताई प्रेस विज्ञप्ति में बात निकाल देने से थोड़े हुई हम नगर प्रमुख हो गए नहीं हम वार्ड प्रमुख हो गए या हम कहेंगे हमारा मालूम नहीं है तो नगर प्रमुख के चाहे वार्ड प्रमुख के दायित्व ना हुआ चाहे प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी का दायित्व ना हुआ नगर पालिका में आग लग जाए नगर पालिका में भूकंप हो जाए नगर पालिका में बाढ़ पीड़ित आ जाए नगर पालिका में कोरोना वायरस चल जाए आ लोग कहे हमारा मालूम नहीं है हमारे जानकारी नहीं है वो कहा के चीज सत्य था बात बजी जानकारी का जनप्रतिनिधि के काम कथी है जनता के सेवा करे के जनता के चाहे दुख होता चाहे जनप्रतिनिधि के वहां पुगे के पड़ल स्पोर्ट पर पुगे के पड़ल ओकरा बारे में खंडन करे के पड़ल ओकरा बारे में लागे के पड़ल ओकरा राहत दिवा के पड़ल एकर दोषी के हो सकता है वाड़ा अध्यक्ष जी रउआ पूर्व प्रवक्ता भी रहल व्यक्ति बानी बौद्धर माइन नगर पालिका के अभिन कार्यपालिका सदस्य वार्ड नंबर 2 से निर्वाचित वाड़ा अध्यक्ष भी बानी फिलहाल एकर दोषी के हो सकत बाटे एगो गरीब मजदूर के जान गईल बाटे हो सके तो ई गरीब मजदूर के जान गईला के बाद में सब कोई अपन अपन राजनीति के रोटी तो सेके के शुरू नहीं कैले आ कि वास्तव में एकर सत्य तथ्य बाहर ले आवे के खातिर बौद्धर माइन नगर पालिका के संपूर्ण वार्ड अध्यक्ष जी लोग उप मेयर मेयर जी लोग या व्यक्तिगत राउर हम विशेष बात करे के चाहे रहुआ सामाजिक संजाल में जो बात बतेले बने एक दोषी नगर पालिका ही बाटे कह के तो वास्तव में अभिन भी बताई जेकर सही सत्य तथ्य छानबीन हो तो दोषी के रही दोषी के संदर्भ में कहें तो अपने के फिर भी हम बात को दोहरा रहे दोषी नगर पालिका बा नगर पालिका के बिना इजाजत के नगर अनुमति के दोसर कौन निकाय बा जे आके काम करे के नेपाल सरकार एन भी बनेले बा 2078 के कार्य विधि अनुसार सार्वजनिक कर नियमावली तो नगर पालिका में कोनो किस्म के काम करे के बा तो नगर पालिका से समन्वय करके वडा कार्यालय से समन्वय करके 7 दिन के भीतर में प्रतिवेदन तैयार करके नगर पालिका वार्ड के जानकारी कराओ के जब जिम्मेवारी दिल बा तो नगर पालिका के कहे जो हम नहीं जान तो नगर पालिका के जीत के और स्थानीय सरकार के और कटी है जी प्रदेश सरकार के मेयर साहब के कथन बाटे प्रदेश सरकार के बजट है प्रदेश सरकार के बजट आयल बा वार्डा नंबर 4 के वार्डा अध्यक्ष जी साइन कैले बानी और ठेकेदार और इंजीनियर के लापरवाही के कारण ऐसा भइल बाटे कह के बजट अपने के जनता के है चाहे प्रदेश सरकार करो चाहे केंद्र सरकार करो चाहे नगर पालिका करो बजट तो जनता के न जनता के जानकारी कराए पड़ल पारदर्शी करे के पड़ल लेकिन वहां का सीधा कह रहा बानी नगर पालिका के कोनो ऐसा सूचना नहीं के देवल गई सुना जा नगर पालिका के प्रदेश सरकार ही बजट देवला केंद्र सरकार संघीय सरकार भी नगर पालिका के देवला नगर पालिका के घर में राष्ट्र बैंक थोड़े लागल बा जो अपना मोनोपोली पैसा छाप लिया मोनोपोली काम करी जिम्मेवारी तो नगर पालिका के हो या नगर पालिका में आग लग जाए और वह कहीं प्रदेश सरकार दमकल भेजू तो प्रदेश सरकार के को दायित्व है कि स्थानीय सरकार स्थानीय गवर्नमेंट है एक जिम्मेवार में रहकर पड़ो लेकिन एकरा के वास्तव में छानबीन कब तक हो सकत बाटे जितेंद्र जी छानबीन हम नगर पालिका से अपील करे के टाइम जल्दी से जल्दी एकदम कोनो किस्म के अविलंब ना करके
जल्दी से जल्दी संबंधित निकाय जैसे जिला प्रभारी कार्यालय के भी दायित्व बा, जिला प्रभारी कार्यालय के भी दायित्व बा, नगर पालिका भी दायित्व बा, जो दोषी माटी के छानबीन करके कार्रवाई करे के पड़ल आ उचित मानदंड क्षतिपूर्ति तिरवा पड़ल आ गलत करे वाला व्यक्ति पर कार्रवाई करे के पड़ल। लेकिन गलत तो करे वाला नगर पालिका बाटे राउर कथन के हिसाब से, तो फिर नगर पालिका के छानबीन करी वाड़ा देख जी। नगर पालिका के दोषी ऐसे लगे नहीं है, जो कोनो विकास निर्माण काम होता है तो नगर पालिका के जानकारी ना रही, नगर पालिका के सिफारिश ना रही तो काम कहाँ से हुई जी। नगर पालिका के अविलंब कार्रवाई करे के पड़ल, नगर पालिका के मीटिंग हो के काम गलती कर लगा करे के कार्रवाई करा के पड़ल। हम ही बाजी सन हमी के गलती कर लगा तो हमी ऊपर कार्रवाई नवाई में पुख के सुगित के पक्ष के देख के मीडिया साथी लोग आए तो हमी को अपन बात रखनी सन कहीं बात यहाँ भी आ रहा बटे वाड़ा देखी बात यहाँ भी आ रहा बटे कहीं व्यक्तिगत रिसीव से तो जितेंद्र जी तो नहीं आरोप लगावत कह के एगो एगो खाली मेयर के अच्छा एगो वार्ड अध्यक्ष के पालिका के जितना जनप्रतिनिधि लोग बा इमरजेंसी मीटिंग बैठलो गलत काय भइल उपभोक्ता सिफारिश के कैलक काम के करवा गरीब आदमी के पीड़ित जन पालिका के जनता बा ओकरा के तो क्षतिपूर्ति दिवाके पड़ल नहीं करे के पड़ल कर 20 बरस से बच्चा नया मगर जिंदगी देखा वाला समय रहे देहांत हो गई जवाब लापरवाही न हो काम हुई नगर पालिका में तो नगर पालिका के कर्मचारी नहीं अनुगमन करके नियमन करके रेख देख करे के जिम्मेवारी बाकी ना बा। जी लेकिन अब एकरा के कितना जल्द रुआ लोग सच्चाई यानी कि सत्य तथ्य कितना जल्द रुआ लोग सामने ले आवे का अधिकतम प्रयास में रहे। अभी प्रयास में तो नगर प्रमुख के ज्यादा रोल खेले के पड़ी, नगर प्रमुख के बैठे के पड़ी, कार्यपालिका के मीटिंग रखे के पड़ल तब ना हमने के बात कर बिना मीटिंग के हमने के ना अपील करिए। हम तो सामाजिक विकास मंत्रालय के कहा के बजट है के बजट दिले बा बजट के पूरा पता लगवा के हम जानकारी करे नहीं। रे भाई को बात बोल ले बनी बौद्धर माई नगर पालिका कमीशन खोरी के चक्कर में कुछ भी कर रहा बटे कहाँ कहाँ कमीशन खोरी बौद्धर माई नगर पालिका के लिए बटे वादा अध्यक्ष जी अपने कमीशन खोरी नहीं हो जब हमारा में लोभ लालच ना रही तो पारदर्शी तरीका से काम कहीं ना हो। हम नगर प्रमुख बनी चाहे वार्ड प्रमुख बनी हमारा वार्ड में काम हो गया हमारा नगर में काम हो गया तो दायित्व हमारे नुभाव में देख रेख देख करे जाए वो चीज पारदर्शी तरीका से भई रही वहाँ सूचना बोर्ड लागे रही जनता के समिति रही समिति के लोग रही आ गलत काम भैल तो अपन अपन चाचो से खाई उसमें विरोध करी सर्टिंग खोले ना दी 8 दिन 10 दिन के सर्टिंग खोले लायक नहीं के तो केकरो गोप जो गोप चुप में काम होता तो एक तो शंका हुए ना कमीशन खोरी के संग शंका तो लागे ना यानी कि वहाँ पहल मेयर साहब के भी होके के चाहिए वहाँ के पालिका के भीतर पड़ बाटे वहाँ के पालिका के अंतर्गत पड़ बाटे वहाँ के निगरानी वहाँ रहे के चाहिए। स्थानीय तीन तरह के सरकार के जिम्मेवारी जनता के जन धन के रक्षा करे के विकास करे के काम नगर पालिका के सरकार तीन तरह के सरकार काहे ले बनल बा जी सरकार बनल बा जनता के निगरानी करे के जनता के दुख सुख में साथ देवे के अफिर ये घटना ना घटो कहते नेपाल सरकार तीन प्रदेश में बोल अपने प्रदेश संघ के स्थानीय के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है ग्रास लेवल में बैठे वाला सरकार ये सरकार मन धारा के रही कौन के काम करके चल जाए सिफारिश कर दी वो तो गलत काम मानो यानी कि सिफारिश करे वाला व्यक्ति के भी सत्य तथ्य उनका से भी पूछे के परी जरूर सिफारिश कही नहीं ये भी कर हाँ। तो पारदर्शी तरीका हमारा वार्ड मंत्र में रह के अपन कर्मचारी खटा के काम गुणस्तर काम स्तरहीन काम होता आखिर केहू के जान से खेल के काम करवा दी और जान चल जाए वो गरीब पीड़ित बा ओकरा केहू बोले वाला नहीं के निमुखा आदमी बा हम तो वो 2 घंटा बैठे रही नारायणी में नगर पालिका के कोनो गतिविधि नगर पालिका के चाहे नगर प्रमुख होगा चाहे स्वास्थ्य प्रमुख होगा चाहे अपने के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होगा चाहे वो केहू ना कही रहे उनका वो गाँव में घटना घटल बा उनको मालूम नहीं है। लेकिन वहाँ लोग तो कह रहा बानी जे हमरा तो कौन ऐसा सूचना नहीं है कार्य के प्रदेश सरकार के बजट है हमारा कौन ऐसा सूचना नहीं है तो हमने कौन ऐसा साइने नहीं किसान कैले ना हम कैले बानी ना पालिका के कौन स्टाफ कैले बाटे लोग कह के अधिकारी कौन ऐसा पालिका द्वारा साइन नहीं है बैलू वहाँ अपने के पहले भी कहनी 2078 के कार्य विधि सार्वजनिक खरीद नियमावली सरकार कोनो सामान किने के चाहे कोनो विकास निर्माण के काम करे के जनता के बीच में जाके समन्वय करके काम करे के दिले बा तो वो गांव में काम होता हम कहे हमरा मालूम नहीं है तो वही जी
यानी कि वहाँ के जानकारी ना भैया कारण वहाँ कालो प्रेस विज्ञप्ति में भी निकल ले बने जहाँ जानकारी ना भैया के कारण और जानकारी रही तो शायद ऐसी घटना ना घटित कह जानकारी नहीं जानकारी कैसे नगर पालिका के नहीं वही वार्ड में वही कार्यालय के अगाड़ी नदी के किनार में चिलावे नदी के अपने चाइना पुल के गेट ला छठ घाट बना था गाँव भर के लोग देख लो और कैसे की जानकारी नहीं है जितेंद्र जी एक के अब कौना ढंग से हमारा गांव में आग लग जाए हम कोई हमारा जानकारी नहीं है निमन बात बा अब एकरा के कौना ढंग से रुआ लोग आगे लेके निकले अब जेकरा घरे जे पीड़ित बाटे वो भी अपन न्याय मांगत बाटे बहुदर माई नगर पालिका ओकरा के कितना न्याय दी आ कि ना दी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी लोग अनेकन आवाज उठा रहल बानी लोग तो खाली आवाजे उठाएम लोग अभी शीतलहर के समय बा अभी तक ले नगर पालिका के नगर सभा भैया के बावजूद में एगो मीटिंग मात्र भैल ओकर बाद में कोनो मीटिंगे नहीं के होत कोनो गतिये विजेता आने के लागत कोनो सूचने नहीं के ओकर हमनी के तो आवाजे रो उठाएम सम कहबे न करम सब नगर प्रमुख आकर्षण होके पड़ल प्रमुख पत्ता से की अधिकृत ध्यान कर सको पड़ल जीतल जनप्रतिनिधि को ध्यान कर सको तब मीटिंग बैठी तो दोषी घटना काहे घटल घटना के छानबीन हुई ओकर उतार हुई ओकर क्षतिपूर्ति दियाई मीटिंग हो गए एक्शन लेवे के पड़ल एक्शन नहीं की लेते एकर मतलब तो यही सोच लोग हम भ्रष्टाचारी बने हमारा उसे मतलब नहीं है जनता से हमारा मतलब ही नहीं है इपल जॉन अभिन के अवस्था रहल बाटे जौन शीतलहर पर रहल बाटे अपना वार्ड के जनता के खातिर अपन वार्ड के जनता के बचावे के खातिर बहुत ऐसन पालिका लकड़ी वितरण कैलक ह बहुत ऐसन पालिका अनेकन कमर से लेके अनेकन चीज वितरण कैलक ह लेकिन राउर पालिका या राउर वार्ड का कैलक ह आम जनता के खातिर नगर पालिका तो अपने के तेल के काम करे कर रहल बा चल रहल बा नगर के जो बिना विपद व्यवस्थापन समिति बा ना अपने के नगर पालिका में अपने विपद व्यवस्थापन समिति व्यवस्थापन समिति बैठी नगर पालिका के कार्यपालिका के बोर्ड बैठक हुई अपने के निर्णय हुई तो कोनो चीज के बैठक नहीं के डर राखत पर क्या मेयर साहब रखे नहीं कर बैठक राखे के पड़ल हम मीटिंग नहीं कराए तो हम अकेले जाके वो मेयर कष्ट बता यानी कि वो लोग बहुदरमाई नगर पालिका के जनता के खातिर कौन ऐसा किसी के एक्शन लेवे खातिर तैयार नहीं खेलो नगर प्रमुख से पूछी चाहे प्रमुख प्रशासकीय से पूछी जो नगर पालिका के महीने महीने बैठक वाला बैठक काहे नहीं करो नगर पालिका के जन काम गतिविधि जनता के सेवा दे कंटिन्यू काहे नहीं करो बात करे के पड़ल जब ऐसा नहीं खेलो तो बाकी वार्ड अध्यक्ष जी लोग निर्वाचित बाकी वार्ड अध्यक्ष जी लोग तो कौन एक्शन में भी तो नहीं खेलो गावत आके चुपचाप वार्ड अध्यक्ष जी लोग साइलेंट काहे बता जब नगर पालिका गलती करता तो निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जी लोग साइलेंट काहे बानी लोग वार्ड अध्यक्ष जी लोग तो हमने के पहल करते मानी से मीटिंग रख पाए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत के कमिश्नर नगर प्रमुख के कमिश्नर तो मीटिंग रखते नहीं गए लोग तो हमने के क्या मीटिंग तो बहुमतीय प्रणाली अपन धक धमकी दिखाओ तो लोग एक और शासन पद्धति दिखाओ तो लोग टका से हुई लेकिन जब रउआ लोग हाँ कुछ जानकारी कराओ हम जनता की भी जानकारी कराए के हम जनता जनप्रतिनिधि बनल बा केकरा खातिर अपन परिवार खातिर की जनता खातिर जनता के खातिर जे भी निर्वाचित प्रतिनिधि बाटे वो जनता के खातिर बनल बाटे और फिर आवे वाला चुनाव में जनता तो जवाब देवे करला लेकिन फिलहाल जब जनता रुवा लोग के जनता तो जवाब देते देते खंडा में चल जाता जी जनता तो जवाब जनता का थी बात सोझा बात सीधा बात जनता अपन जन प्रतिनिधि को जीत लेला हमनी के नगर पालिका का ना मीटिंग होता है ना बैठक होता है ना कोनो डिसीजन होता है कहीं से प्रदेश के केंद्र के बजट आओ चाहे कहीं के बजट आओ चाहे नगर पालिका के हो अपना मोनोपोली सिग्नेचर होता है अपना मोनोपोली दिनों लाखों लाखों अपने के पैसा निकासा होता है एगो पीड़ित व्यक्ति बाटे पीड़ित जरा घटना घट गई घरे पुगे नहीं के लोग सकत अस्पताल में नहीं के लोग पुगे सकत तो कथी है तो व्यक्तिगत व्यक्ति पारिवारिक जनप्रतिनिधि हमने के बनल बनी जनता मुखी जनप्रतिनिधि नहीं सन बनल जी जी और कार्यक्रम के अंत में आजकल बन सन जितेंद्र सर अब रउआ लोग छानबीन करी और इलाका प्रहरी कार्यालय के भी जिम्मेवारी परत बाटे और साथे साथे बहुदरमाई नगर पालिका के भी जिम्मेवारी बाटे जो सत्य तथ्य जल्द से जल्द बाहर आओ उ कार्यक्रम का अंत अंत में संपूर्ण अपन बहुदर माई जनता के और साथे साथे अपना वार्ड के जनता के रुवा का कहे के चाहे इस विषय में हम कथी कहे के चाहे हम के अविलंब तुरंत नगर प्रमुख जी नगर पालिका के मीटिंग रख के एकरा ऊपर छानबीन करे के पड़ल दोषी के जे बा ओकर कार्रवाई करे के पड़ल जेकर घटना घट गेल जे जेकर ध्यान चल गेल ओकर उचित इस नगर पालिका से सामाजिक विकास मंत्रालय बा वहां से समन्वय करके ओकरा के क्षतिपूर्ति दिलावे के पड़ल दोषी जे कैले गलती कैले ओकरा पर कार्रवाई कराए के पड़ल नगर पालिका के तुरंत अविलंब एक्शन लेके मीटिंग रखे के पड़ल ऐसा घटना आवे ना दिन मत घटो पड़े के नगर वासी लोग सचेत करा के पड़ी जानकारी कराए के सहभागिता में अपने लोग शरीक हुई गलत काम होता करे आवाज उठाई
ना आवाज उठाए ये विषय में ना बोले ऐसा के घटना घटे रही हमने के जनप्रतिनिधि साथी लोग अपन पारिवारिक मोहमाया में घर बैठे रही अपन सुख सुविधा लेवे करी धन्यवाद वार्ड अध्यक्ष जी। व्यस्त समय के बावजूद भी रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने में समय देने के रखा था धन्यवाद जी। आदरणीय श्रोता हमने के साथ में अभी रहनी बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जितेंद्र पटेल जी वहाँ के समसामयिक विषय पर ही बात करनी है और वहाँ के बतैनी है जे एक सत्य तथ्य छानबीन हो को और साथे साथे एक दोषी नगर पालिका ही बाटे वहाँ के बतैले बनी नगरपालिका ऐसे दोषी बाटे जो नगरपालिका के माथत में नगरपालिका के भीतर में कोनो ऐसा कार्य हो रहा बाटे तो नगरपालिका के केंग जानकारी ना होई मेयर के केंग जानकारी ना होई कमीशन खोरी के बात कैल गई तो वहाँ के कमीशन खोरी के भी बात बतैनी है काथी जो कोनो ऐसा बिना सूचना के प्रदेश सरकार के बजट आवता चाहे जो भी आवत बता बिना वार्ड अध्यक्ष के जानकारी के अपने अपने करत बाटे लोग कहके ऐसा बात उन्हें बतैनी है लेकिन मेयर साहब काल बतैले रहने जे जितेंद्र जी एगो निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष होके का बोलत बनी उमा के तनका सोच समझ के बोले के चाहिए कह के उमा के बतैले बनी और वास्तव में बहुदर माई नगर पालिका में ये आज से ना जब से ये चुनाव बीतल स्थानीय तह के तब से लफड़ा ही लफड़ा झगड़ा ही झगड़ा एक दूसरा में देखे के मिलल निर्वाचित जनप्रतिनिधि जी लोग में निर्वाचित मेयर साहब में निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जी लोग में कितना दिन नगर सभा ना भई रहे अब नगर सभा भइल ओकरा बाद में अभिन जवन अवस्था चल रहा बाटे अभिन जवन जितेंद्र पटेल जी बता रहा बानी जे कौनो ऐसा कार्य होत बाटे हर हफ्ता में हर महीना में हर दिन जवन एगो मीटिंग पहले बैठत रहे वो मीटिंग काहे नहीं के बैठत मीटिंग बैठावे के पड़ल जे मीटिंग काहे नहीं के बैठत वहां के अभिन बता रहा बानी और जौन भी कार्य हो रहा बाटे तो मीटिंग करके संपूर्ण वाड़ा अध्यक्ष जी लोग काहे नहीं के जानकारी होकर कहके जितेंद्र पटेल जी बतैनी आदरणीय श्रोता आदरणीय जनता बहुदर माई के जनता संपूर्ण ई रेडियो सानवी के प्रस्तुति कार्यक्रम आमने सामने सुन रहा बानी और काल के प्रस्तुति में बहुदर माई नगर पालिका के नगर प्रमुख सिंहासन शाह तेली जी और आज के प्रस्तुति में बहुदर माई नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जितेंद्र पटेल जी रहनी वास्तव में सत्य तथ्य बाहर आओ कह के आम जनता बहुदर माई के वेटिंग में बैठल बानी और एमे बहुत लोग राजनीति के भी रोटी सेके के चालू कर देले बाटे जितना राजनीति के रोटी सेका जाओ एक दूसरा के प्रति कुछ बोल के चाहे जेंग हो के वास्तव में सत्य तथ्य तो पता लागो राजनीतिक तो अपने ठाव पर बैठे हमने के अपील ये बाटे जे सत्य तथ्य पता लगाई लगन जे गलती कैले बाटे कार्रवाई करी लगन के कड़ा से कड़ा सजाई होके के पड़ल और बहुदर माई के मेयर साहब के कड़ा से कड़ा ऊपर एक्शन लेवे के पड़ल ये निहोरा बाटे हमने के और एगो गरीब के लड़का मरल बाटे 21 वर्ष के अभी युवा मरल बाटे अभी नोकर दुनिया अब के शुरुआत भर ला देखे के लेकिन युवा एगो 21 वर्ष की उम्र में मर गई बानी तो बहुदर माई के मेयर साहब से भी हमारा आग्रह बाटे जे रउआ ओकरा के बहुत ज्यादा कड़ा से कड़ा एक्शन में आके ओकरा के जल्द से जल्द ओकर सत्य तथ्य ओकर न्याय मिलो जितना भी निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जिलो बानी बहुदर माई नगर पालिका में 9 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जिलो से भी आग्रह बाटे संपूर्ण कार्यपालिका सदस्य लोग से भी आग्रह बाटे जे एकर सत्य तथ्य और एकर सही न्याय मिले के पड़ल आदमी जवन युवा मरल बानी वहां के पूरा परिवार के न्याय मिले के पड़ल बहुदर माई के जनता अब की बार अपेक्षा में बाटे जे कितना सत्यता काम जितना भी चुनाव जीतेले बानी लोग निर्वाचित करेले बानी लोग अपने गांव ठाव से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष जिलो के मेयर साहब लोग के उप मेयर साहब लोग के तो ये लोग कितना छानबीन जनता के खातिर कर सकत बा जब एगो गरीब के ऊपर समय पड़ल बा तो ये लोग के देखे के बाटे आम जनता देख रहा बानी जे कितना जल्दी ये लोग सत्य तथ्य सामने ले आवत बाटे आदरणीय श्रोता कार्यक्रम आमने सामने रहुआ लोग सुन के साथ ही एक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद देते सामने प्राविधिक मित्र हमारा को सहयोग ही उमा के भी बहुत बहुत धन्यवाद देते कार्यक्रम आमने सामने सम कार्यक्रम प्रस्तोता विशाल यादव छूटे के चैन सुनत रहे रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज़ नमस्कार प्रणाम शुभ रात्रि।